अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करें तो सारे दोस्त ठीक हो। सो दोस्तों सारे दोस्त जनरेटर घिने वहने हैं, उन्होंने को मालूम गिनने हैं कि दिखाओ कितना जनरेटर घिने हैं, उनकी क्या नोईत है जनरेटर मुकम्मल तो दिखाएंगे तुम्हें, तो जुलो सा जनरेटर दे दें इंशाल्लाह तो मज़ा आ सी। आओ जी ये है दोस्तों जरा तो जनरेटर दिखाने पैसे भाई सारे एक दोस्त गिने जनरेटर, ये जनरेटर है जी। इसका मालूमात उस भाई को पूछते हैं जरे गिन के आए हैं, ये मुकम्मल तौर जरा जी वो मालूमात देसन ये कितना गिन के आए हैं, तो इनकी मुकम्मल तौर इंजन भी दसे सन सारा मुकम्मल डिटेल दसन। लेकिन इस तू पहले कि अस अपनी वीडियो शुरू करूँ, सारी वीडियो लाइक कर गिनो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर गिनो। दोस्तों मेरे को उर्दू नहीं आती, लेकिन जो सारे दोस्त हैं ना जी क्योंकि इन्ना को सराकी का मसला है, इस वास्ते करके बाद इन्ना को असा कोई त्रुटी भनी अपनी उर्दू बोलेसूँ खिलना नहीं सारी गाल ही दे असा क्योंकि इन्ना को उर्दू के इंटरव्यू घिरना है। उज़ैर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ उज़ैर भाई, ये जो है जनरेटर माशाल्लाह आप ले हैं, पहले तो आपको जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी चीज़ है माशाल्लाह, तो आप इसके बारे में थोड़ी सी हमें तफसील बता देंगे। हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह, मैं आपको कोशिश करूँगा ताकि मैं आपको मुकम्मल मालूमात दे सकूँ। सबसे पहले तो जो है हम ये पूछना चाहेंगे कि ये जो इसका इंजन है जी, ये कौन सा इंजन जो है आपने, या नहीं पहले ये बताएं कि ये है ये आपने बना हुआ लिया है या बनवाया है खुद? क्योंकि बना हुआ तो जो लेंगे वो तो हमें बहुत महंगा पड़ जाएगा, बना हुआ हम ले नहीं सकते। कम से कम भी अगर आप बना हुआ लें वो आपको पड़ेगा इस हालत में, क्योंकि इसमें 12 की किलो वाट की डेनमो लगी हुई है, मोटर जिसे बोलते हैं, और 1.3 का इसमें इंजन लगा हुआ है, ये तकरीबन हमें पड़ जाएगा 4.5 लाख रुपए में ना। अच्छा, ये तो बहुत महंगा पड़ेगा ना, इतना हो जाएगा सही है। इस तरह तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि हमें किस तरह मिलेगा। अगर हम इसको अलहदा पार्ट्स में लें, मिसाल के तौर पर इंजन हम अलहदा ले लें और मोटर अलहदा ले लें, तब भी हमें महंगा पड़ेगा, क्योंकि जब ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये किट जो इसमें सामने लगी हुई ये अलहदा से बनाई हुई है ना, तो हमें वो महंगा पड़ेगा, हमें खुद से वो लेनी पड़ेगी। ये इंजन थोड़ा सा पुराना है और ये जो गाड़ी का लगा हुआ है जी जी, अच्छा ये जो होंडा सिटी जो गाड़ी होती है 1.3 भी उनमें बोला जाता है कि 1300 cc ये इंजन है अपना, ये बड़ा वाला इंजन जो है 1300 cc है होंडा, ये होंडा सिटी का है, होंडा का इंजन है ना। ठीक है, बाकी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है मोटर है इसमें, और मतलब ये है कि आपका कहने का मकसद ये है कि जो है ना ये आपने बनवाया है फिर? जी जी, मैंने ऑर्डर दे के खुद बनवाया। जी जी बिल्कुल, ये इसमें मोटर है इसकी अपना इंजन की मोटर जो है, जो इसको आप करंट वगैरह देती है, स्टार्ट करने में मदद देती है, जो ये वाली। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। और जो ये है इसका रेडिएटर है जो इसको गर्म नहीं होने देता, ये बड़ा वाला, इसमें छोटा रेडिएटर आता है, एक इसमें बड़ा आता है, हमने बड़ा वाला लगवाया है ताकि ये जो गर्म ना हो इसलिए। और साथ में आप इधर आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ, और साथ में ये जो ये इसका साइलेंसर है, ये इसकी पूरा वो साइलेंसर को बड़ा किया हुआ ताकि ना इसको शोर ना हो, नीचे से आप देख रहे हैं ना बिल्कुल। अच्छा, तो इसका आवाज़ वगैरह बिल्कुल नहीं आता जब आप स्टार्ट करते हैं तो? जी आवाज़ है, लेकिन जो आम इंजन होता है उससे कम है, बहुत कम है, बिल्कुल बहुत कम है, इसके साइलेंसर की वजह से बहुत कम की हुई है। ये मतलब ये स्पेशल ये चीज़ दवाई है। ठीक है ठीक है जी, सही है। और साथ में ये लगी हुई गैस किट, ये जो इंजन हमने बनवाया ये गैस पे बनवाया। नहीं ये आप जो है आप किस चीज़ पे चला रहे हैं, गैस पे चला रहे हैं? LPG जो आम सिलेंडरों में गैस होती है उस पे। अच्छा, ये गैस किट इसमें इसलिए हमने, जो अगर इसमें हम पेट्रोल पे करवाएं इसको हम, तो पेट्रोल पे कराने के लिए हमें कम से कम 15,000 से 18,000 रुपए और भरने पड़ेंगे तब ये पेट्रोल पे होगा। अच्छा, तो वो उस पे हमें जो उसकी लागत है, जो उसका घंटे के चलने का वो है, वो कम से कम भी वो ले तकरीबन 2.5 लीटर लेगा पेट्रोल। अच्छा, तो वो हमें महंगा पड़ जाता है। ये लेगा गैस जो है ये 1.5 लेगी, 1.5 किलो गैस, 1.5 किलो यानी कि एक घंटे में, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। इस तरह तो फिर काफ़ी मतलब है कि इसमें बचत हो जाती है, हमें काफ़ी गैस की बचत हो जाती है। तो रेट तो मेरे ख्याल में तकरीबन दोनों का इस वक्त बराबर ही चल रहा है ना? जी जी बराबर चल रहा है। और वो लेगा 2.5 लीटर और ये जो है यहाँ पे गैस तो हमारा 1.5 किलो है। जी बिल्कुल 1.5 किलो इसी तरह बिल्कुल। और जो बाकी इसका सिस्टम, ये इसके प्लग वगैरह लगे हुए हैं इंजन के, जो इंजन का सबको पता होता है कि इंजन में प्लग वगैरह जो होते हैं, आम गाड़ी का इंजन है बिल्कुल जैसा गाड़ी का होता है, बाकी इसमें डेनमो फिट की हुई है। अच्छा, और ये इसका एयर फिल्टर है ताकि इसमें गंदगी वगैरह ना जाए, अगर डस्ट वगैरह इसमें जाएगी तो इंजन ख़राब होने का मसला होता है ज़्यादातर। अच्छा, और फिर इसमें साथ में ये डेनमो लगी हुई है 12 किलो वाट की, ये कम से कम ये मोटर जी, जिसे आम जुबान में मोटर भी बोला जाता है, डेनमो भी,
ये तकरीबन 12 किलो वाट के ये हमें देगी, 35 जो है एम्पायर हमें ये आउटपुट देगी हमें ना। अच्छा, ताकि हम बैक वक्त बिल्कुल ठीक। वैसे तो ये आपको अगर ज़्यादा चलेगा, अगर मिसाल के तौर पर 4-5 घंटे आपने चलाना है तो फिर 40 तक चले जाएगा, 40 एम्पायर तक चले जाएगा। ठीक है। वैसे अगर आप फौरन इस पर लोड डालें वो 35 होता है। सही है। ये शुरू होगा 25 से 35 से 35 तक जाएगा, 35 से जब आप ज़्यादा चलाएंगे तो ये अपना क्या नाम है 40 तक चला जाएगा। ठीक है। और जो बाकी सिस्टम है इसका, उसका ऑयल वगैरह का, ऑयल चेंज करने का हमने जो इसका सिस्टम बनाया हुआ है, वहाँ पे है जी, बिल्कुल आपको दिखा दे, इधर आ जाए। ये इसका ये लगा हुआ है ऑयल चेंजर, जो इसमें यहाँ से हम चेक करेंगे ऑयल इसका कितना, ये वाला। अच्छा, ये देखें, अभी हमने इसमें बिल्कुल नया डाला हुआ, अभी हमने चलाया भी इतना नहीं है। एक मिनट थोड़ा जी, आप रखें ना, कहाँ पे नज़र आ रहा है? जी जी, ये रहा ये। अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। चल, ये हमने अभी इतना ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया हुआ, ये भी एक घंटा हमारा चला है। बिल्कुल नया लिया ना? जी जी बिल्कुल, अभी अभी ये कितने दिन हो गए वैसे आपको यहाँ? ये मुझे तकरीबन कोई हफ्ता एक हो गया है। अच्छा, 7 दिन हो गए। और जो हम चेंज करेंगे वो यहाँ से इसमें डालेंगे। अच्छा, इसका जो निकालेंगे कहाँ से? निकालने के लिए इसका नीचे एक बना हुआ है, उससे सबको पता होता है इंजन के, एक जब गाड़ी का आप किसी भी से कराते हैं मैकेनिक का जो होता है सिस्टम, ये फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ से इसका सारा निकल जाएगा जितना भी है, क्योंकि फिल्टर चेंज होगा हर जब आप ऑयल चेंज कराते हैं तो फिल्टर भी चेंज होता है साथ में ना। तो ये चेंज हो जाएगा तकरीबन 100 घंटे तक हमने इसका लिमिट में, हर 100 घंटे बाद चेंज करना पड़ेगा। जी जी, हर 100, जब आप 100 घंटे इसको चला लें तो आपको ये ऑयल चेंज करना पड़ेगा। वैसे तो ज़्यादा पे कर सकते हैं, लेकिन हम इंजन की उस पर रखते हुए ना, ताकि हम जल्दी चेंज, ताकि इंजन की मियार जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि गैस पे चल रहा है इंजन, जब गैस पे इंजन चलता है थोड़ा सा खुश्क होता है बनिस्बत पेट्रोल के। ठीक है। बाकी जो इसका सिस्टम है, ये मोटर है, और इसका जो है मोटर माशाल्लाह बहुत अच्छी मोटर मुझे नज़र आ रही है। जी जी, ये बाकायदा कॉपर की बनी हुई है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त मोटर है, इसमें कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की भी टेंशन नहीं होगी। और मैं आपको अपना लोड भी बताता हूँ, मैं इस पर कितना चला रहा हूँ। हाँ, मैं इस पर अपने 2 AC हैं मेरे, और 3 फ्रिज हैं बड़ी वाली जो हैं, और बाकी लाल पंप है एक, और एक जहाज़ी मोटर जिसे बोलते हैं वो है, और बाकी जो पंखे हैं 7-8 पंखे हैं, लाइटें। अच्छा, हैं लाइटें तो आप अनलिमिटेड चला सकते हैं। जी जी, अनलिमिटेड चला सकते हैं आप, बैक वक्त ये सब चीज़ें आप चला सकते हैं इसे, अपना 1300 cc और 12 किलो वाट की जो डेमो इस पर आप। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये जो है इसका नीचे मुझे कुछ जो है माशाल्लाह, इसका पूरा फ्रेम उन्होंने माशाल्लाह में बना के दिया, बड़ा बेहतरीन किस्म की इसकी फिटिंग आप देख रहे होंगे। लोहा जो है एक जगह से दूसरी जगह भी बंदा आसानी से इसको मूव कर सकता है, हिला सकता है। ये इसके आप देख रहे होंगे एंगल, देख रहे होंगे बड़े बेहतरीन उन्होंने बना के, काफी वजनी एंगल है ये माशाल्लाह, बहुत वजनी एंगल है। और ये जो है इधर बैटरी लगेगी, ये टर्मिनल है इसके दोनों, बैटरी इसमें है नहीं है, हम आपको इंशाल्लाह भी दिखाते हैं लगाकर। अच्छा, तो ये टर्मिनल है, इसमें लगा के आपको स्टार्ट कर जरूर दिखाएंगे, ताकि हम जो है ना शोर भी देखेंगे कितना शोर जो है ये करता है, कि एक छोटे घर के लिए ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी तो देखना है ना। और इसका जो है ये सर, इसका है ये इसका मेन जो हमारा आ जाता है वो आता है, ये होती है इसकी गेज, ये इसको बोलते हैं गेज, अपना ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमें आउटपुट दे रहा है उसका गेज होता है ये वाला आउटपुट, ये है जी आउटपुट। और ये, ये अगर हमारा इंजन गर्म हो जाए तो हमें ये वॉर्न करेगा, इसको हॉट पे ले जाएगा कि हमारा इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, आप इसको बंद करें फिलहाल। अच्छा। और जो ये सिस्टम है, ये जो ये 2 लाइट बनी हुई, ये ऑयल की है। अब आप इसको सलफ लगाएंगे, सलफ लगाने के बाद अगर ये लाइट जले तो आपको ये वॉर्न कर रहा है कि आप अपना ऑयल चेंज करें, इंजन का ऑयल आपका ख़राब हो गया, ज़्यादा चल गया। और जो ये वाली है, ये आपको बैटरी का देगी, ये जो मोटर मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, इस वाली मोटर का, अगर ये मोटर ख़राब हो जाए। अच्छा। तो फिर वो वाली लाइट की है, मतलब इसमें काफ़ी जो है उन्होंने ऑप्शन रखे हैं ताकि जो है कोई परेशानी ना बने आपके। और ये मेरे ख्याल में होगा स्विच चाबी का, सही होगा। और ये जो है ठंडी और गर्म के लिए है, पॉजिटिव और नेगेटिव वायर जो हम आउटपुट देते हैं। और ये हमारा मेन ब्रेकर जो इसका मेन आउटपुट हमें देगा, ये मेन ये वाला। जी जी बिल्कुल। और ये आप अंदर से भी बिल्कुल इसका देख सकते हैं कि इस तरह के हम फिटिंग की हुई है माशाल्लाह, बड़ी बेहतरीन फिटिंग की हुई है इसके, मजबूत किस्म का ये जो लगाए हैं इन्होंने माशाल्लाह, बड़ा बेहतरीन किया हुआ सिस्टम, तारे भी बहुत अच्छी लगी है माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाकी आप देख सकते हैं ये हमने चेंजर वगैरह लगाए हैं इसके साथ, ताकि हमें वापडा और ये जनरेटर हम साथ में ले सकें। अगर हम इसको चेंजर अभी हमारे नीचे हुए हैं, इसका मतलब हमारा वापडा चल रहा है, सही। हम इसको ऊपर करेंगे तो हमारा ये जनरेटर पे वर्क करना शुरू कर देगा, अगर दरमियान में हो तो फिर दोनों बंद हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। और आपके मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, जब भी आप जनरेटर लगवाएं, जो आपकी तार है ये कॉपर लगवाएं, जो मेरी ये वायर जा रही है कॉपर है ये वाली। जी बिल्कुल, ये एक मुझे पड़ी है 70 रुपये के हिसाब से गज एक जो है वो पड़ा है मुझे, ठीक है। ये महंगी होती है थोड़ी, लेकिन आपका ना जनरेटर का क्योंकि लोड यहाँ से जाना है फर्स्ट, ठीक है, तो ये आपको ये
चीज़ आपको मजबूत होनी चाहिए। बाकी आप बाकी इस पर इलेक्ट्रिशियन जो आपका होगा वो आपको बेहतरीन रिकमेंड कर लेगा। तो इंशाल्लाह ये मेरे लिए तो बड़ा बेहतरीन माशाल्लाह हुआ है और इसका माशाल्लाह मुनासिब रेट है। अच्छा उदैर भाई, आप कीमत के बारे में हमें थोड़ा सा आगाह कर दें कि ये तकरीबन आपको कितने में पड़ा है यहाँ पे, और जो है इसकी आम रूटीन के मुताबिक कितनी है कीमत? देखें, ऐसा है जो ये हमने जनरेटर लिया है, हमारे तो थे जानने वाले, बहुत करीबी है। जी जी बिल्कुल, बहुत करीबी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बहुत मुनासिब कीमत में पड़ गया है, लेकिन जो आम जो रूटीन है वो है तकरीबन 140 तक वो देते हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करके तकरीबन कोई 120 अगर बिल्कुल कोई लेना चाहे तो आप जो है हमारी सिफारिश, या कोई और अगर हमारा साथी लेना चाहे तो आप हमारी सिफारिश कर सकते हैं फिर? जी जी ज़रूर, क्यों नहीं, आपकी सिफारिश की वजह से इंशाल्लाह हम इसको 120 तक कर सकते हैं, ज़रूर 120 तक, यानी कि हमें फाइनल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 120 तक इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह ज़रूर फाइनल हो जाएगा। और अच्छा, जब तो आप हम जो है भाई दोस्तों, अगर किसी दोस्त ने जो है लेना हो, कोई दोस्त लेना चाहता हो, तो हम जो है ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं उज़ैर साहब, हम इसको जो है साथ ले जाएंगे और ये जो है हमारी मज़ीद जितनी भी हो सकी ये करेगा। जो आप इंजन की कंडीशन भी देख सकते हैं माशाल्लाह, बड़ा बेहतरीन कंडीशन इसमें इंजन है लगा हुआ है, बड़ा बेहतरीन किस्म का लगा हुआ है, कोई इसमें ख़राबी नहीं है, किसी किस्म का मसला नहीं है, और आपको इंशाल्लाह ये तंग भी नहीं करेगा जो आम इंजन होता है। जाहिर सी बात है, आपने देखो कि पीटर इंजन आमतौर पर लगे हुए होते हैं इसमें डेनमो के साथ, वो हमारा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो डीजल पर होते हैं, डीजल फिर बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो इस हमें नहीं वो आता उसमें बारे में, हमारे नहीं आता। ये मैंने सिलेंडर लगा हुआ है, ये है 13 kg का सिलेंडर है, ये मैंने अभी रखा है इसके लिए, स्पेशल इसके लिए रखा हुआ है ये। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बाकी जो है आप हमें एक दफ़ा स्टार्ट करके अगर दिखा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, ताकि हम जो है इसका आवाज़ वगैरह भी सुन सकें ना कि कितना जो है इसका आवाज़ है, शोर वगैरह कितना। मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये हमने अभी बैटरी लगाई है इसमें, क्योंकि इसकी बैटरी तो ये ओरिजिनल नहीं है, वैसे इसकी बैटरी जो छोटी वाली जो सुजुकी को स्टार्ट करने के लिए आपने देखी भी होगी, वो बैटरी होती है, वो तकरीबन आम मिल जाती है तकरीबन कोई 4-1 हज़ार रुपये में ना आराम से मिल जाती है, वो तो 50 वाट की जो होती है ना वो बैटरी से लगती है। जी मैं आपको ये स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसकी चाबी है, इसको हम इस तरह करेंगे तो ये देखें ये दोनों लाइटें जल जाएंगी, ताकि ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि दोनों कोई मसला इसमें नहीं है। जी जी, पहले इसका ये गैस ऑन करेंगे आप यहाँ से, जी ये देखें ये गैस ऑन कर दी, आ जाए आपको दिखाता हूँ। बस इधर से कोई नहीं? जी जी, बस ये करके आप नॉर्मल आवाज़ ज़्यादा आवाज़ हाँ, लेकिन चलते हैं। जी जी, ये हमने एक कमरे में रखा हुआ है, कमरे के रखने में बावजूद भी हमें आवाज़ इतनी कम इसकी महसूस हो रही, कोई इतनी ख़ास इसकी आवाज़ है नहीं है, अगर आप कमरा बंद कर दें तो आवाज़ की बाहर जाएगी नहीं। और ये बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ, ये हीट भी नहीं करता, उन्होंने बहुत बेहतरीन बनाया हुआ ये चीज़। ठीक है उदैर भाई, बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ठीक ठीक, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों तुसां ॾिठो सी जनरेटर, माशाल्लाह बेहतरीन जनरेटर है, सब तो बहुत पसंद है, मुनासिब कीमत मिले, ते उम्मीद करें कि तुहानूं भी इंशाल्लाह पसंद आया उसी। अगर कोई दोस्त गिनना चाहे तो असं वीडियो तले कमेंट करे, इंशाल्लाह जितनी हेल्प थी करे इंशाल्लाह।